ये जो प्रोथैलस होता है, ओके, ये जो प्रोथैलस होता है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स है दे आर बेसिकली दे आर लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजंस, कि जहां पे टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा कम एरियाज में ही ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वी कैन से कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजंस। अब ये जो प्रोथैलस है इनका दूसरा नाम क्या है? गेमेटोफाइट्स। गेमेटोफाइट्स ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट होगा फीमेल गैमेटोफाइट होगा, मेल गैमेटोफाइट को हम एंथ्रीडिया बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट को हम आर्केगोनिया बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ओके अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक बात बोली गई थी कि टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टू बी ग्रोन सक्सेसफुली, तो इन्होंने बात कर दी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत है, वो इसलिए प्रोथैलस है ना वो डिफरेंट हो जाता है, वो बिल्कुल ही स्पोरोफाइट से डिफरेंट होके अलग चला जाता है पानी की तलाश में। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रो किया हुआ है उसको पानी की जरूरत नहीं है, जो ग्रो करने वाला है उसको पानी की जरूरत है। ठीक है, ये चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको समझ आ जाएगी। वॉटर इज नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथीरियोजॉइड्स मेल गैमीट्स फ्रॉम एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्केगोनियम। ये बेसिकली किस चीज की तरह है? पॉलिनेशन की तरह ही है। ठीक है, ये देखो ये हमारा स्पोरोफाइट है, उसने स्पोर्स फेंके, ये स्पोरोफाइट है ना जो स्पोर्स ग्रो करके प्रोथैलस बना लिए, इन्होंने प्रोथैलस तो अलग ही है बिल्कुल, प्रोथैलस तो बिल्कुल अलग है, इसके आप टेंशन मत हो कि वो उसके पास है, स्पोर्स जर्मिनेट ही वॉटरी प्लेस पे करेंगे, जहां पे वॉटर होगा वहीं पे जर्मिनेट करेंगे, फिर ये स्पोर्स जब स्टार्ट कर जाएंगे ग्रो करने के लिए तो ये प्रोथैलस बन गया। प्रोथैलस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा और एग बनाएगा, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ये क्या बना लेगा? एक जायगॉट बना लेगा। जायगॉट बनाने के बाद जो हमारा न्यू फर्न प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर देगा और दोबारा से फुली ग्रो कर जाएगा। ये देखो अब ये प्रोथैलस है, प्रोथैलस के ऊपर हमारा स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली ही ग्रो करते हैं। ठीक है, बाद में जो प्रोथैलस है बहुत ज्यादा रिड्यूस, इस स्टेज में हमें प्रोथैलस दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है ऑलरेडी। एंथीरियोजॉइड फ्यूजेस विद द एग इन द आर्किगोनियम टू फॉर्म जायगॉट, जायगॉट डेवलप्स टू अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट। ठीक है, फिर बाद में वो क्या बना लेता है? स्पोरोफाइट बना लेता है। नाउ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के केस में जैसे हमने मोनोइशियस एंड डायोशियस का केस किया था कि जो मोनोइशियस प्लांट है वो वैसा प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर फीमेल वाले फ्लावर्स भी ग्रो कर रहे हैं, एक प्लांट के ऊपर मेल वाले फ्लावर्स भी ग्रो कर रहे हैं। डायोशियस वो वाला प्लांट होता है जिसके ऊपर अगर मेल है तो सिर्फ मेल फ्लावर्स ही ग्रो करेंगे, फीमेल वाले फ्लावर्स उस पे नहीं ग्रो करेंगे। ठीक है, वैसे ही टेरिडोफाइट्स को हम होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट्स बोलते हैं। होमोस्पोरस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ स्पोर फॉर्म होते हैं, अदर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर। मैक्रो या मेगा स्पोर क्या होती है? फीमेल स्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? मेल स्पोर्स होते हैं, उनको हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। अगेन स्लेजिनेला इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में दोनों हो सकते हैं, दोनों केस हो सकते हैं, दे कैन बी होमोस्पोरस एज वेल एज दे कैन बी हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। पेरेंट, जिस पेरेंट के ऊपर ये स्पोरोफाइट बना होता है समटाइम्स उसी पेरेंट के ऊपर वो रहता है। विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट जायगॉट डिवेलप इंटू यंग एम्ब्रियोज। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जायगॉट डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, डिवेल्प होना मतलब ग्रो करना शुरू कर जाता है। This event is precursor to the seed habit. ये बिल्कुल seed habit, seed है जैसे वो fruit के अंदर grow करती है। Ovary है जो carpel है, carpel के अंदर ovary होती है, ovary fruit बन जाती है।
वैसे ही ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोरोफाइट है बेसिकली, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, ये क्या शो कर रही है कि हाँ जो सीड सीड्स वाले प्लांट्स है ना, उनका जन्म हो रहा है, उनकी इवोल्यूशन हो रही है. मतलब ये फर्स्ट स्टेप था सीड हैबिट को डिवेलप करने की थ्रू. इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. इट इज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन. So this is the life cycle of pteridophytes. It shows that spore se shuru karte hain. Spore is haploid. Sporangium se spore nikla. Spore germinate hua. Gametophytes bane. Mature ho gaye gametophyte. Usme se egg bana. Usme se sperm bana. Egg and sperm se kya bana? Zygote bana. Zygote kya hai? Hamara diploid. Zygote ke andar young embryo bana. Young embryo ne रूट एंड शूट अराइज करना शुरू किया. फिर हमारा स्पोरोफाइट ग्रो करना शुरू किया और स्पोरोफाइट से फिर हमारा पूरा एक बड़ा सारा प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ और उसके अंदर अगेन स्पोरोफिल ग्रो होने शुरू हुए. अब बच्चों ये चीज है कि स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफिल आर द वर्ड्स टू बी रिमेम्बर. स्पोरोफाइट होती है स्पोर बेयरिंग बॉडी, जो जो डिप्लॉयड बॉडी है ना वो सारी ही स्पोरोफाइट है. स्पोरोफिल इज द वर्ड फॉर द लीव्स दैट आर बेयरिंग द स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया इज द वर्ड या टर्म यूज फॉर स्पोर बेयरिंग सैक्स. ठीक है, दीज आर स्पोरेंजिया. तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. अब आप एक एक क्लास याद कर सकते हो टेरिडोफाइट्स की. दैट इज साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. साइलोप्सिडा की एग्जांपल है साइलोटियम, लाइकोप्सिडा की एग्जांपल है लाइकोपोडियम. नाम से याद रख लो, साइलोप्सिडा साइलोटियम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा इक्विसेटम, एंड्रायोप्टेरिस एडिटम एडेंटियम टेरिस, ये सारे किसमें आते हैं? टेरोप्सिडा में. बेसिकली एक एक नाम क्लास से रिजेंबल करती हुई याद कर लो, दैट विल बी मोर इजी फॉर यू टू रिमेम्बर इन द केस ऑफ बोर्ड्स. नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स पे अब हम आते हैं. जिम्नोज एंड स्पर्मा, दीज आर द टू वर्ड्स जिससे मिलके हमारा जिम्नोस्पर्म वर्ड आया है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. बिफोर फर्टिलाइजेशन भी एक्सपोज होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं फ्लावर के अंदर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी एक्सपोज होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं फ्रूट के अंदर. जिम्नोस का मतलब होता है नेक, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, स्पर्मा बेसिकली, स्पर्मा नॉट द स्पर्म, इट्स स्पर्मा सीड. फर्टिलाइजेशन से पहले भी सीड हमारी एक्सपोज होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड्स है जो हमारी एक्सपोज ही रहती है. Seeds that develop post-fertilization are not covered. They are present as naked. Naked seeds किसमे present है? Below. ये gymnosperms हैं, ना ही flowering show करते हैं, ना ही fruiting show करते हैं. ठीक है? ये gymnosperm की ovule है, ये angiosperm की ovule है. ठीक है? Gymnosperm की जो ovule है, उसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स के बाहर म्यूसेलस होता है. ठीक है, बट इसमें कुछ भी नहीं होता, दैट इज ऑल नेकेड. दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज, ऑल टॉल ट्रीज एंड श्रब, जायंट रेडवुड सिक्विया. इट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. सिक्विया आपको दिख रहा है, एस ई क्यू यू
OIA, sequoia. It is the tallest tree known that is grown. It is the plant of the world, and it is a gymnosperm. ठीक है, तो gymnosperms जरूरी नहीं है कि अगर वो flowering या fruiting नहीं show करते, ये growth में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. They are tallest plants. The roots are generally tap roots. Tap roots होती हैं इनके पास. Roots in some genera have fungal association to form mycorrhiza. Mycorrhiza क्या होता है? Mycorrhiza याद रखना ही पड़ेगा. Mycorrhiza is the symbiotic association of fungi and roots. Roots of the higher plants. Highest plants नहीं है, लेकिन gymnosperms are the kind of higher plants. Example, pinus. कौन सा प्लांट है जो माइक्रोरियाजा शो करता है? पाइनस. सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो. इन प्लांट्स लाइक साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड पोलराइड रूट आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. माइक्रोरियाजा में फंजाई के साथ होता है एसोसिएशन. साइकस कोरोलाइड रूट्स में क्या होता है? बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है. स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट होते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ही माने जाते हैं. दे द रूट्स आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. देखो, स्टेम आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड. स्टेम ब्रांच हो सकती है एज इन द केस ऑफ साइकस, सॉरी एज इन द केस ऑफ पाइनस एंड सेड्रस. या आप देख सकते हो पाइनस एंड सेड्रस की जो, ठीक है मुझे कोई सीन याद आ रहा है, वो टॉम एंड जेरी वाला जो क्रिसमस ट्री होता है ना, बेसिकली वो जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं. सी सेड्रस, यू कैन सी सेड्रस है ना, इस सेड्रस लाइक सेड्रस के जैसे दिखने वाले जो ट्रीज होते हैं ना, उनको ही क्रिसमस ट्री माना जाता है. इनपे कोई फ्रूट्स नहीं लगते, ना ही कोई इनपे फ्लावर्स लगते हैं. दीज आर जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स है, दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. लीव्स इनकी सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं. दे आर वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. अब मुझे एक और सीन याद आ रहा है टॉम एंड जेरी का, वही सीन है जिसमें हम देखते हैं कि जो क्रिसमस ट्री है, बाहर स्नो पड़ रही है, अंदर लोग हैं वो क्रिसमस मना रहे हैं. तो जहां पे स्नो है वहां पे टेम्परेचर क्या है? एक्सट्रीम है. नॉर्मल कोई भी प्लांट या एंजियोस्पर्म वहां पे ग्रो नहीं कर सकता. एंजियोस्पर्म्स आर वेरी टिपिकल टू द टेम्परेचर. सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही बहुत ज्यादा वेजिटेशन फाइंड होती है, वरना इतनी नहीं होती है. ठीक है, तो इनकी जो लीव्स हैं या जो जिम्नोस्पर्म्स है, हम बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर रियली अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम एनवायरमेंट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स. साइकस के अंदर जो पिनेट लीव्स हैं वो बहुत साल रहते हैं. इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव रिड्यूस देयर सरफेस एरिया. देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमाटा आर आल्सो हेल्पिंग टू वाटर रिड्यूस वाटर लॉस. अच्छा बच्चों, आप कपड़े सुखाने जाओ, ऊपर कपड़े सुखाने जाते हो, तो एक बच्चा क्या कर रहा है? अपनी टी शर्ट को पूरे अच्छे से फैला के डाल रहा है. दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? एक अपनी टी शर्ट को बिल्कुल फोल्ड करके फिर उसको टांग रहा है. किसकी मतलब कि किस केस में ज्यादा वाटर लॉस होगा, किस केस में टी शर्ट जल्दी सूख जाएगी? इन द केस ऑफ जहां पे उसको फैला के रखा है, जहां पे उसका सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सनलाइट एंड द विंड. जितनी ज्यादा पतली कोई चीज है ना, उतनी ज्यादा वो क्या कर रही है? वाटर बचा रही है. ठीक है, अगर किसी की पतली लीव्स है ना, तो वाटर बचाने के लिए एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर को, एक्सट्रीम कंडीशंस को अडैप्ट करने के लिए. ओके, स्ट्रॉबिलस. स्ट्रॉबिलस तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये वर्ड हमारा पहले आ चुका है जिम्नोस्पर्म्स के केस में. मेल स्ट्रॉबिलाई एंड द फीमेल स्ट्रॉबिलाई. मेल स्ट्रॉबिलाई इज द वन विच इज द मेल कोन एंड फीमेल स्ट्रॉबिलाई इज द वन विच इज द फीमेल कोन. ठीक है, ये क्या करते हैं? कोन्स होते हैं, ये गैमेट्स होते हैं, सॉरी ये स्पोर बियरिंग लीव्स होते हैं ना, जो उनको स्ट्रॉबिलस बोला जाता है. दे आर हेटरोस्पोरस. जो फीमेल वाले होते हैं वो मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो मेल वाले होते हैं
वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल, दे आर कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज्ड अलोंग द टू फॉर्म कोन्स. ठीक है, ये सारे कोन्स है, ये लीव्स ही है बेसिकली, ये जो कोन्स बने हुए हैं ना, ये लीव्स की हेल्प से ही बने हुए हैं. इनको कोन्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, स्पोर बियरिंग लीव्स होते हैं इसलिए. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइक्रोस्पोरोफिल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है दैट दिस इज द साइकस का मेल कोन, और उसके अंदर जब आप देखोगे तो माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे बनते हैं, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं इन दिस वे. ये सारा क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं एंड जो स्पोर्स हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ये क्या है, ये साइकस है, ये फीमेल कोन है. This is also going to form the ovules, which are also haploid. Sporophyll bears sporangia, in which spores are produced. Sporophylls are two types, microsporophyll and megasporophyll. ठीक है? Sporophylls are of two types, microsporophyll and megasporophyll. Microsporophyll are the male sporangia, megasporophyll are the female sporangia. अच्छा, microsporophyll. They are arranged to male strobili. माइक्रोस्पोरोफिल को मेल स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं. दे बेयर द माइक्रोस्पोरेंजिया, वो माइक्रोस्पोरेंजिया बेयर करते हैं जो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं. द माइक्रोस्पोर डिवेलप इनटू मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा होता है, हाईली रिड्यूस्ड एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में ही बोलते हैं में ही होता है, और ये इसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं. पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डिवेलप होती है. ठीक है, दिस इज वेरी इजी एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल सी चीज है. अब देखो, आप देख रहे हो इवोल्यूशन की तरफ हमारा जो है सिस्टम वो पहुंच रहा है. मेगास्पोरोफिल, दे आर अरेंज्ड टू फीमेल स्ट्रोबिलाई माइक्रोस्पोरेंजिएट. इसके जो मेगास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल सकते हैं. मेगास्पोरेंजिया का मतलब ओव्यूल बना रहे हैं. ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूसेलस होता है. न्यूसेलस इनवेल्प के बाहर डिवेल्प होता है, वो क्या होती है, कवरिंग होती है, इंटेग्यूमेंट होती है. जो न्यूसेलस का एक सेल है वो क्या बन जाता है, मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है. फिर वो मियोसिस करने के बाद क्या बना देता है, हमारा मेगास्पोर बना देता है. मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस के पास हमारे मियोसिस के बाद हमारे पास फोर मेगास्पोर्स आते हैं. वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्केगोनिया. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्केगोनिया होता है. फिर या दिस इज द थिंग, दिस इज द मेन थिंग, इसके अंदर कोई कार्पेल नहीं होता, इसके अंदर फीमेल कोन होता है. फीमेल कोन के अंदर आर्केगोनिया ही होता है, कोई कार्पेल नहीं होता है. द मल्टी सेलर फीमेल गेमीट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद द मेगास्पोरेंजियम. जो मल्टी सेलर फीमेल गेमीट है, गेमीटोफाइट है, वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है. ठीक है, द मेल और फीमेल कोन मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री. सेम ट्री मतलब मोनोइशियस, मतलब होमोस्पोरस स्पाइनस, एंड डिफरेंट ट्री मतलब साइकस. ओके, बेसिकली होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल की शक्ल है, जो मॉर्फोलॉजी है जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, वो डिफरेंट है. डिफरेंट तो हर केस में है, तो हेट्रोस्पोरस ही होते हैं जिम्नोस्पर्म्स हमारे. बट नाउ जो है सेम ट्री डिफरेंट ट्री वाला केस आ गया, तो ये क्या आ गया, मोनोइशियस एंड डायोइशियस. मोनोइशियस क्या होता है ये मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. सेक्सेस जो डिफरेंट प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दे आर डायोशियस. मोनोइशियस में क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया भी उसी प्लांट पे ग्रो करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया भी.
मेगा मेगास्पोरेंजिया भी उसी पे ग्रो करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया भी उसी पे ग्रो करेगा. द मेल और फीमेल कोन्स मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री और ऑन द डिफरेंट ट्रीज. अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड एरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. इसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है ना, वो फ्री नहीं रह सकते, वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनको प्लांट से ही एनर्जी लेनी पड़ेगी. टेरिडोफाइट्स जैसे वो दूर भाग के नहीं जा सकते अपने आप, ठीक है, क्योंकि उनके स्पोर्स तो उठ के नीचे गिर जाते थे फिर स्पोरोफाइट बना लेते थे, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं एंड स्पोरोफाइट के अंदर ही रिटेन रहते हैं, ठीक है. The pollen grain releases from the microsporangium are carried in air currents and meet the openings of the ovules. Pollen grain release from the microsporangium हवा के through ovule के अंदर चले जाते हैं. The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in ovule and discharge their contents near the mouth of the archegonia. पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है, फिर से वो क्या करती है, आर्केगोनिया की तरफ ग्रो करती है और वहां पे अपने मेल गैमेट्स छोड़ देती है. पोलन ग्रेन्स बिल्कुल सेम एज इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलिनेशन के थ्रू वो पहुंचते हैं, बट कार्पेल की जगह उनको क्या मिलता है, आर्केगोनिया मिलता है. आर्केगोनिया के अंदर भी उनको सेम प्रोसीजर के थ्रू, दैट इज पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचना पड़ता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगॉट बनता है, जायगॉट एम्ब्रियो में बदल जाता है और उसमें सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. फाइनली जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं. दैट वाज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. नाउ लेट अस रीड अबाउट एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का हमारा जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, दैट इज ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्म्स ओनली. तो एंजियोस्पर्म्स उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे. इस चैप्टर में बहुत ही कम बताया गया है एंजियोस्पर्म्स के बारे में. एंजियोस्पर्म्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स. उनका साइज बहुत ही छोटे प्लांट से लेके बहुत ही टॉल प्लांट्स तक हो सकता है. इनकी सिर्फ दो क्लासेस होती हैं. जिम्नोस्पर्म की कोई क्लास नहीं थी, इनकी दो क्लासेस हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ठीक है. वॉल्फिया बहुत ही छोटा प्लांट होता है. आप देख सकते हो कि कैसे एक हाथ, एक चार उंगलियों के ऊपर इतने सारे वॉल्फिया वाले प्लांट्स उस आदमी के आ गए. एंड ऑन द अदर हैंड यू कैन सी यूकलिप्टस इज द one of the most tallest tree, one of the most tallest tree in the world. ठीक है. एंजियोस्पर्म्स की दो क्लासेस होती हैं, डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. डायकॉटिलेडन्स हैव टू कॉटिलेडन्स इन देयर सीड्स. इनकी सीड्स की दो कॉटिलेडन्स होती हैं. वो दो कॉटिलेडन्स हैं जो वो रेटिकुलेट वेनेशन की हो सकती हैं, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स का हो सकता है. अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये लीफ आपको दिख रही है, ये लीफ की जो पत्तियां हैं वो जिस डाइवर्जन में पहुंच रही हैं, इसको रेटिकुलेट बोलते हैं. इसको बोलते हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन सिर्फ और सिर्फ डायकॉट्स में होती है. टेट्रामेरस, या तो इनके चार चार पेटल्स एंड सेपल्स होंगे, या होंगे पांच पेटल्स एंड सेपल्स, या चार या पांच हर फ्लावर में, या चार या पांच, इससे ज्यादा नहीं होंगे. नाउ मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में ओनली एक कॉटिलेडन होता है, एक लीफ होता है. इनकी पैरेलल वेनेशन होते हैं. इनकी लीव्स के अंदर ये देख लो आप, मोनोकॉट की लीव, इनकी लीव के अंदर आपको वैसा डिजाइन नहीं दिख रहा है जो डाइवर्जन वाला डिजाइन था, वो नहीं है. दे आर हैविंग द पैरेलल वेनेशन. इनके जो फ्लावर्स होते हैं थ्री मेंबर, थ्री पेटल्स ही होते हैं, थ्री सेपल्स होते हैं, थ्री ही एंड्रोशियम होते हैं इसमें, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेल सेक्स ऑर्गन इज द स्टेमेन. स्टेमेन के अंदर एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, एंड देन उसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू कार्पेल के माउथ के ऊपर पहुंचते हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है हमारा, पिस्टल. पिस्टल के थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर फर्दर ओव्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगॉट फॉर्म करते हैं. ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है, जिसके बाद मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनते हैं, और उसके बाद चार मेगास्पोर्स में से तीन क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक रह जाता है, एंड वो जो एक रह जाता है वो क्या बना देता है, एम्ब्रियो सैक.
वो हमारा एम्ब्रियो सैक बना लेता है। एम्ब्रियो सैक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, बट स्टिल यू नीड टू नो अबाउट दिस कि एक एम्ब्रियो सैक में एग एपरेटस होता है, सिनर्जिड्स होते हैं, एग एपरेटस के अंदर दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल होता है, उसके ऑपोजिट एंड पे थ्री एंटीकोडल सेल्स होते हैं एंड सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होती है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लॉयड फ्यूजन। पोलन ग्रेन्स हवा से पहुंच के फ्लावर के पास आते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन से पोलन ट्यूब्स ग्रो कर जाती हैं। पोलन ट्यूब्स के ग्रो करने के बाद वो मेल गैमेट्स कहां पे पहुंच जाते हैं, फर्दर फाइनली ओव्यूल में पहुंच जाते हैं। द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से एग से वो सिनगैमी कर देती है। सिनगैमी क्या होता है, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन, उसको सिनगैमी बोलते हैं। एंड यहाँ पे सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस पड़ा था दैट वॉज ऑलरेडी डिप्लॉयड, तो वो फाइनली क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉयड हो जाता है, क्योंकि दो मेल गैमेट्स होते हैं हर पोलन ग्रेन में। दो मेल गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है और फाइनली ये ट्रिप्लॉयड फ्यूजन कर देता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब जायगॉट एम्ब्रियो में डिवाइड करता है। एम्ब्रियो में डिवाइड करते करते अगर उसके पास एक लीफ है तो वो है मोनोकॉट, अगर उसके पास दो लीव्स हैं तो वो है डाइकॉट। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा मोनोकॉट एंड डाइकॉट वाला सीन। PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एग और एग एपरेटस में जो एग प्रेजेंट थी उसमें एक मेल गैमेट आके फ्यूज किया था, उसने बना लिया जायगॉट। सेंट्रल न्यूक्लियाई में जाके जिस मेल ने फर्टिलाइज किया था उसने क्या बना लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स क्या है, वो डीजनरेट होने, खराब होने शुरू हो जाते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम कल करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।